क्लास फोर EVS चैप्टर 19 अब्दुल इन द गार्डन। हेलो क्लास फोर स्टूडेंट्स, वेलकम टू EVS क्लास। स्टूडेंट्स, कल हम लोग चैप्टर 19 का आधा पार्ट पढ़ चुके हैं। आज हम लोग उसके आगे से पढ़ेंगे, पेज नंबर 161। सो लेट्स स्टार्ट। अब्दुल saw a huge tree that had fallen on the roadside। अब्दुल ने देखा कि सड़क के बगल में एक बहुत बड़ा पेड़ गिरा हुआ था। ही रिमेम्बर्ड द नीम ट्री इज इन हिज कॉर्टयार्ड। उसे याद आ गया कि जैसे उसके आंगन में नीम का पेड़ गिरा था। ही कुड सी सम ऑफ इट्स ब्रोकन रूट्स। उसने कुछ जड़ों के टूटे हुए पार्ट्स देखे। अब्दुल ने सोचा, Would someone have uprooted such a big tree or would it have fallen on its own? How old would this tree be? Abdul, on seeing a tree surrounded by cemented ground, thought that how will it get rainwater? Next, unusual roots. Have you swung from a banyan tree? क्या आप लोगों ने कभी बरगद के पेड़ पे झूला झूला है? What did you hold to swing? आपने झूलने के लिए क्या पकड़ा था? What looks like the hanging branches are actually the roots of the tree? क्या आपने जो पकड़ा था वह उस सही में उस पेड़ के शाखा था या फिर पेड़ का रूट्स था? दिस ग्रो डाउन फ्रॉम द ब्रांचेज अंटिल दे रीच द ग्राउंड। यह शाखाओं से इतने लंबे होते थे, इतने बड़े होते हैं रूट्स, कि वह जमीन तक पहुँच जाते हैं। दिस रूट्स आर लाइक पिलर्स डैट प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टू द ट्री। ये रूट्स इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि पेड़ को सपोर्ट करते हैं पिलर की तरह। The banyan tree also has roots under the ground, just as other trees have. बरगद के पेड़ में भी जमीन के अंदर उसकी जड़ें होती हैं, जैसे कि दूसरे पेड़ों को होते हैं। There is a law against cutting trees. बच्चों, क्या आप जानते हैं कि पेड़ काटना एक कानूनी जुर्म है? There was a tree growing close to a lamp post. लैम्प पोस्ट के बगल में एक बहुत बड़ा पेड़ उगा हुआ था। The tree was so full of leaves that the light of the bulb was blocked. उस पेड़ में इतनी पत्तियाँ थी कि बल्ब का रोशनी भी नहीं आ पाता था। People felt that the branches of the tree needed to be trimmed. लोगों ने ऐसा सोचा कि उस पेड़ की कुछ शाखाओं को छाट दिया जाए। बिफोर दे डू दिस दे नीड टू टेक रिटन परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफिस। उन लोगों को ऐसा करने से पहले सरकार से लिखित परमिशन लेना होता था। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। थैंक यू।